अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फिज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। सफ़ा नंबर 78 पे हम शुरू करने जा रहे हैं अदा, जो कि हमें करना होगा फे ता नून तक, यानी फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून नून तक हमें क्या करना होगा, अदा करना होगा। जी अब हम शुरू करते हैं अदा अपना। मिसाल के मुताबिक तस्वीर के नाम के हरूफ की तरतीब दुरुस्त करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फालसा लिखा हुआ है, हमें इन हरूफ को तरतीब को दुरुस्त करके लिखना होगा। इसके बाद हमारे पास मौजूद है लोबिया। लोबिया को हम एक जगह पर लिखते हैं लाम वाव लो बे ये लिफिया लोबिया, बे का एक नुक्ता और ये के दो नुक्ते। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे लाम फिर वाव, यानी कि लाम आएगा पहले नंबर पे, वाव दूसरे नंबर पे, बे ये बे आएगा तीसरे नंबर पे, छोटिए या फिर ये आएगा चौथे नंबर पे, और आखिर में आएगा अलिफ। तो कैसे लिखेंगे हम, लाम जमा वाव जमा बे जमा ये जमा अलिफ लोबिया। इसके बाद हमारे पास मौजूद है नारियल। नारियल को भी हमें दुरुस्त करके लिखना होगा, और कैसे लिखेंगे, नून अलिफ ना रे ये लामियल नारियल, ये के दो नुक्ते, यानी कि नून पहले आएगा फिर आएगा अलिफ, पहले नून फिर अलिफ फिर आएगा हमारे पास रे फिर आएगा हमारे पास ये, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा लाम। तो कैसे लिखेंगे, नून जमा अलिफ जमा रे जमा ये जमा लाम नारियल। आखिर में हमारे पास मौजूद है गेंद, गाफ ये नून दाल गेंद, डंडे गाफ के ऊपर दो, ये के दो नुक्ते, नून का एक नुक्ता, गेंद। तो किस तरह से हम लिखेंगे, गाफ आएगा पहले नंबर पे, ये आएगा दूसरे नंबर पे, नून तीसरे नंबर पे, और आखिर में आ जाएगा हमारे पास दाल। तो हम कैसे लिखेंगे, गाफ जमा ये जमा नून जमा दाल गेंद। बढ़ते हैं आगे। तस्वीर के दुरुस्त नाम पर टिक का निशान लगाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है कलम, तो हम टिक कर देंगे कलम को। ये पेंसिल नहीं है, कलम है, तो इसको हम टिक करेंगे कलम को। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है लोगाज, और लोगाज को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको मुकम्मल करें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।